गोरखपुर एसटीएफ ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एसटीएफ ने गिरोह के लिए काम करने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 70,000 रुपये, ज्वेलरी, 5 मोबाइल फोन, रजिस्टर्ड डायरी और आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया है। आपको बता दें कि आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह के शहर में सक्रिय होने की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम सर्विलांस की मदद से छानबीन कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ इंस्पेक्टर सत प्रकाश सिंह ने रविवार की रात कैंट थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी पार्क के पास पूर्वी गेट पार्किंग में आईपीएल का सट्टा खेलते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनकी पहचान कुशीनगर जिले के रविशंकर प्रसाद पुत्र रमेश प्रसाद, प्रिंस कुमार जायसवाल पुत्र राजेश कुमार जायसवाल और रत्नेश उर्फ गुड्डू सोनी पुत्र महावीर सोनी के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर 70,000 रुपये, ज्वेलरी, 5 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, रजिस्टर और डायरी मिली है, जिन्हें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया।